हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक कर में विशुशीला। आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और टमाटर की ऐसी डिश जो कि बहुत ही फटाफट से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च और एक टमाटर लिया है। इसको हम रिंग के शेप में कट कर लेंगे और इनके बीजों को निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा सब्जी बची हुई है उसे भी हम स्टफिंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे। जो बची हुई सब्जी है उसे हम बारीक बारीक अब कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बारीक कट कर लेंगे और इसे स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। हमने थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। फिर हम लेंगे उबले हुए आलू, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरी धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, और जो हमने टमाटर और शिमला मिर्च कट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और सभी सब्जियों को और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम रिंग के अंदर इस स्टफिंग को अच्छी तरह से भर देंगे। उतनी स्टफिंग डालनी है जितने में ये पूरा रिंग अच्छे से कवर हो जाए और एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहे, मतलब अलग अलग ना हो। इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही मतलब प्रेस कर करके भरना है इसके अंदर इस तरह से, और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा ले ताकि हाथों में चिपके ना। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से फिल कर देना है। उसी तरह से हम टमाटर को भी कर देंगे। ये बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली डिश है। कभी कभार अगर हमें कुछ अलग खाने का मन करे तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में और बहुत ही कम तेल में फटाफट से पक जाता है। फिर हम तवे को गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर, और ये जो भी हमने इसके शिमला मिर्च के जो भी रिंग्स को फिल किया उसे इस पर अलट पलट कर पकाते रहेंगे, टमाटर और शिमला मिर्च के रिंग्स को। ये देखिए, ये अब हल्का सा सुनहरा कलर आ गया इसके अंदर। इसी तरह से इसे अलट पलट कर पकाते रहेंगे। शिमला मिर्च के साथ आलू का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारी शिमला मिर्च और टमाटर एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम दाल चावल या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। घर पे शिमला मिर्च और टमाटर बनाइए, खाइए और खिलाइए। बाय बाय।